अच्छा गुड न्यूज़ ये है भाई साहब कि हमारे इस ब्लैक फेस वाले पेयर ने, ये जो पेयर है इसने भाई साहब बिलू बच्चा निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली इमरान और देख रहे हैं मज़े का चैनल यूट्यूब लाला एफ बी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों गर्मी के दिन में बहुत ही कमेंट सेक्शन में सवाल आते हैं जिनके जवाब देने के लिए मैं हाज़िर हूँ, दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो साथ आपको शेड के क्या हालात वाकयात चल रहे हैं वो शेयर करूंगा। दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि बर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं। भाई साहब मैंने पहले भी आपको कहा था, अभी मैं पंखा चलाने लगा हूँ, हर घंटे बाद 10 मिनट चला देता हूँ। ये मेरा जंबो जेट पीछे आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन है ये, मैं कहता हूँ 10 मिनट के अंदर ऐसे माहौल कर देता है कि भाई साहब अंदर और बाहर का टेम्परेचर सेम कर देता है। धूप लो जब चल रही होती है तब नहीं चलाता, जब मौसम ठंडा रात के वक्त हो जाता है तो फिर मैं इसे चलाता हूँ। इससे ये होता है कि अंदर जितनी भी हबस और ये वो होती है चीज़ वो बाहर निकल जाती है। अभी इसे बंद कर देते हैं ताकि वीडियो अच्छे तरीके से बना लूँ। उसके बाद अक्सर दोस्त कह रहे हैं डब्बों में बच्चे निकल रहे हैं और मर रहे हैं, उसका ईजी वे यही है। जैसे मैंने इधर ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये फोकस आउट हो रहा है, ये देखें मैंने वो पीछे जो है ना वो, ये इनके माँ बाप हैं और ये बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसे ही इधर पड़ा है, ये इनके माँ बाप हैं। मैंने जो बच्चे छोटे हैं वो निकाल के ट्रे के ऊपर ही रख दिए हैं, यानी कि फर्श के ऊपर केज के, तो माँ बाप उधर ही फीड करवा रहे हैं बजाय कि मैं डब्बे में रख के उनको मरने के लिए छोड़ देता। उसके बाद हमारे बजरी घर, इसने देखें ये नमक का ढेला बाहर फेंका हुआ है, तो इसको इधर लगा देते हैं दोबारा। तो ये कि हाँ जी, अच्छा गुड न्यूज़ ये है भाई साहब कि हमारे इस ब्लैक फेस वाले पेयर ने, ये जो पेयर है इसने भाई साहब बिलू बच्चा निकाल दिया। ये अब देख सकते हैं, ये बिलू सीरीज़ का बच्चा है, तो मुझे आई थिंक सो कि ये ग्रे रंग का होगा, ग्रे जो है ना ब्लू सीरीज़ में ही आता है। तो अभी ये सही तरह देखें फीड माशाल्लाह कैसे इसने करवाई हुई है। उसके बाद ये देखें, ये ग्रीन बॉडी में निकला है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो है ना वेल जो है ना फीड हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तो बस यही कोशिश है कि बस ये है कि बंदे ने जब पेड़ लगाया होता है ना तो लालच होती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लूँ। तो मैंने कहा अभी तैयार ही हुए थे पेड़, तो मैंने कहा इन्हें लगाऊँ, चले जाते जाते जो कुछ मिले तो अल्लाह के सुपुर्द, यानी कि जो मिल गया उस पर शुक्र करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 अंडों में से या 4 या 5 अंडे से 2 बच्चे निकला, 3 निकले थे, एक एक्सपायर हो गया था। अभी इसके ऊपर इसने ना प्लकिंग की थी, तो प्लकिंग के लिए वो कैंडियोलम जो होम्योपैथिक से मिलती है वो मैंने लगाई है, इंशाल्लाह ताला वो सेट हो जाएगी। क्योंकि इसको ना ये इसकी माँ ये वाली खाना पीना इसका ना इस तरह हो गया है कि इसने ना इसको खाना शुरू कर दिया था। तो अब इंशाल्लाह ताला माहौल यही है, मैं अभी ना आपको खोल के दिखाता हूँ इनकी खूबसूरती, ये चेक करें, ये माशाल्लाह है तो अच्छी चीज़। तो बाकी अल्लाह खैर करे, देखें अब क्या बनता है। फीमेल अंदर भाग गई है, इसको बाहर निकालते हैं, बाहर आ तेरी वीडियो बना रहे हैं और तू जाके अंदर बैठ गई है, करती क्या है, आ गई है बाहर। हाँ जी आ गई, ये चेक करें माशाल्लाह ग्रीन स्प्लिट ब्लू कन्फर्म हो गया, वो भाग गई फिर। तो चले इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, यही ना हो कि बच्चे मार के मेरे हाथ में पकड़ा दे, लै तू चेक कर लै। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेल फैलो के लिए एक पेयर जो ये स्टार्ट पे बैठा है ब्लू ऑफलाइन और पार ब्लू ऑफलाइन, जो मैंने तब्दील करना था उस्मान बड्डी साहब हमारे इस हॉबी के फैंसियर है, सीनियर फैंसियर, तो उनसे बात हो गई है। ये पीस और वो वाला पीस जो पार ब्लू का है, वो ऊपर पार ब्लू ऑफलाइन, ये दोनों मैंने देख के उनसे सेम एज इट ही दूसरे ले लेने हैं, ताकि मैं अपने जो बर्ड हैं, क्योंकि ये सब मेरे पास एक ही पेयर की ब्रीड है, तो इनके साथ मैं लगा के अपने पेयर बना सकूं। ओहो हो,
तो आज बेसिकली यही छोटी सी एक दो टिपें आपके साथ शेयर करनी थी। गर्मी का इतना बुरा हाल है, अपना भी ख्याल रखें, हमने बर्ड का भी ख्याल रखे, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह के मज़े के नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।